हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ स्पीक्स, और आज मैं आपको बना के बताने वाला हूँ छोले भटूरे, नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश जो कि आप पूरी दुनिया में पाएंगे। और इसको तो लोग बहुत आसानी से बना भी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाला हूँ। रीज़न, इसमें एक तो तेल बहुत होता है, फैट बहुत जाता है बॉडी में, तो मैं इसको कुछ अलग तरीके से बना के दिखाने वाला हूँ, ताकि कम से कम फैट या तेल बॉडी में जाए और स्वादिष्ट भी बने। तो मैं आपको बता दूं, आप पहले तो अगर सुबह बनाना है तो कम से कम 8-9-10 घंटे के लिए मैदा गूंथ लीजिए, और उसको 8-9 घंटे के लिए रख दीजिए। साथ ही साथ छोले भी आप भगोने में भिगो दीजिए और अगली सुबह उसको निकाल लीजिए। तो मैं ऑलरेडी भिगो चुका हूँ, ये सब काम कल रात कर चुका था। तो आज सुबह मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस भगोने में, इस कुकर में छोले डाले। छोले के साथ मैंने प्याज काट के डाला, और प्याज के साथ लहसुन कूट के डाला या कुचल के डाला, अदरक कुचल के डाली, और 3 चम्मच नमक। 1 किलो छोले में 3 चम्मच नमक, आप नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, मैंने 3 चम्मच डाले। और डालने के बाद अब मैं इसको पकने के लिए चढ़ा दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, छोले भिगो दीजिए, अगले अगले सुबह लीजिए, और छोले के साथ ही आपने प्याज अदरक लहसुन और नमक मिक्स कर दीजिए इसको, और मिक्स करके इसको पकने के लिए चढ़ा दीजिए। मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। छोला, प्याज, कटा हुआ लहसुन, अदरक कूटा हुआ, और नमक इसमें मिक्स किया हुआ। उसके बाद आप कुकर बंद कर दीजिए। और गैस बर्नर ऑन कर दीजिए। मैंने गैस ऑन कर लिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। 2 और 3 सीटी तक इसको पक जाने दीजिए। तो जो हमने काटा था, प्याज लहसुन अदरक कूटा था, वो सब इसमें मिक्स हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब पहले दूसरी विधि में हम इन सब चीज़ों को फ्राई करते थे तेल के साथ, तो उसमें तेल बहुत जाता था। ऐसा करने से आपको तेल कम पहुंचेगा बॉडी में, नुकसान कम होगा, नुकसान नहीं होगा। और फ्रेंड्स, मैं आगे चलूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरी नई रेसिपी की जानकारी मिलती रहेगी, और बेल आइकन दबाइए ताकि उसका नोटिफिकेशन भी मिले आपको। शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। चलिए इसको हम अलग रख देते हैं अभी, और अभी इसको पकने देते हैं। तब तक बाकी मसाले तैयार कर लेते हैं। पिसे मसाले तो यूज होंगे इसमें, टमाटर काट के डालने होंगे, आधा किलो टमाटर। और मैं एक बार रेशियो आपको फिर से बता देता हूँ, 1 किलो छोला, आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, 4 बड़े लहसुन और 100 ग्राम अदरक। तेल तो लगेगा ही ऑफकोर्स, टमाटर को काट लेंगे, और उसके अलावा हमको ये हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, और ये खड़ा मसाला थोड़ा सा 1 पैकेट, और आप चाहें तो उसमें छोले मसाले का 1 पैकेट डाल सकते हैं। देखिए 2 सीटी आ गई, अब गैस बर्नर ऑफ कर देंगे। जब तक हमारा छोला ठंडा होगा, तब तक चलिए हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, टमाटर को मिक्सी में काट लीजिए और इसकी प्यूरी बना लीजिए। इसी तरह से सारे टमाटर काट के आप मिक्सी में डाल लीजिए। ये जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें टेस्टी तो बनेगा ही, साथ साथ आपकी सेहत का भी ध्यान रखा गया, उतना ज़्यादा तेल आपकी बॉडी में ना जाए, तो क्या बात है। अब ये हमारा पिसा हुआ टमाटर मिक्सी में देखिए तैयार।
ये खड़े मसाले को जब तक हम कूट लेते हैं या कुचल लेते हैं, जैसी भी भाषा आप इस्तेमाल करना चाहें। ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया खड़ा मसाला और अब इसको हम अपने कुकर को हम खोल के देख लेते हैं। मेरे ख्याल से अब तक पक चुका होगा, ये ठंडा हो गया। ये देखिए ये छोले प्याज लहसुन और अदरक इसमें मिलने के बाद इस तरह का रंग आ गया है इसमें, और ये अच्छे से पक चुका है। आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं इसमें से एक पीस हाथ से तोड़ के देखता हूँ। ये देखिए पक चुका है अच्छे से, बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको रहने देते हैं और अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हमारा छोला तो पक चुका था। सबसे पहले एक बर्नर पे हम इसको ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। और कढ़ाई में थोड़ा सा सूख जाए, पानी ना हो, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अब फ्रेंड्स, चूंकि मैंने प्याज और लहसुन अदरक वो सारा छोले के साथ पका लिया था, इस वजह से यहाँ हमें उतने तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस समय हम तलते इसके साथ प्याज लहसुन और अदरक, तो बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ने वाली थी। हमारी कढ़ाई सूख चुकी, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल करीब 150 ml डाल दूंगा। अब ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें कूटा हुआ मसाला, खड़ा मसाला और तेज पत्ता, वो मैं एक साथ इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया और ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च काटी हुई वो डाल देता हूँ। बहुत जल्दी इसमें ये भुन जाएगा और ये बहुत जल्दी भुन गया। इसके साथ ही मैं इसमें पिसी मिर्च पाउडर 2 चम्मच, धनिया 4 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डालो पिसा हुआ, और इसको आप चला करिए। बहुत जल्दी भुन जाएगा और जब थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, आधा कप पानी। और अब इसको 3 से 5 मिनट तक भून लीजिए। ये सारे मसाले हमारे भून चुके हैं, तो अब मैं इसमें टमाटर पीसा हुआ वो इसमें मिक्स कर देता हूँ। ये मैं डाल देता हूँ और अब आप इसको भून लीजिए, तब तक जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तेल ना छोड़ने लगे ऊपर। सो फ्रेंड्स, मुश्किल से आपको 5-7 मिनट चलाना पड़ेगा, ये उतनी देर में पक जाएगा। जब तक ये पके तब तक मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मेरे चैनल आर्ट स्पीक्स को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके और आप सभी उसको देख पाए। शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले, सभी को फायदा हो। अब ये देखिए टमाटर हमारा पक चुका है अच्छे से, तो इसमें एक छोटा पैकेट छोला मसाला जो मैंने शुरू में बताया था वो डाल देंगे इसमें, और डालने के साथ ही आप इसको भी मिक्स कर लीजिए इसमें। और मिक्स करने के बाद इस बर्नर को ऑफ कर दीजिए। तो मैंने ऑफ कर दिया और इस मिश्रण को कुकर में, छोले वाले कुकर में डाल दीजिए आप। ये छोले हमारे पहले से पके हुए रखे हैं, इसको मैं इसमें ट्रांसफर कर देता हूँ।
ये देखिए सारा टोमेटो प्यूरी का जो मिश्रण बनाया था वो मैंने छोले के साथ ट्रांसफर कर दिया और इसको अच्छे से मिला देते हैं। इसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद कुकर के ढक्कन को बंद करके दोबारा से गैस बर्नर पे आप चढ़ा दीजिए और एक सीटी तक पकने दीजिए। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ। और इसके साथ ही मैं इसका बर्नर ऑन कर देता हूँ और एक सीटी तक पकने देता हूँ। ये देखिए एक सीटी इसमें आ गई। अब हम इसको बंद कर देंगे और भाप के निकलने का इंतजार करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं सिर्फ छोले तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि लेंथ काफी हो रही है। तो अगला वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए भटूरे कैसे बनाएं। तो देखते रहिए अभी इस वीडियो को। मैं आपको एक भी एक सीटी और आ गई, कोई बात नहीं, अब मैं बर्नर ऑफ कर लेता हूँ। मैंने बर्नर ऑफ कर दिया तो मैं कह रहा था कि अब मैं इसको कुछ देर में खोल के आपको दिखा दूंगा छोले कैसे बने, और अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से भटूरे बनाने। दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता चले, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले आपको किस तरह बना के दिखाऊं, कैसे बना के दिखाऊं, कुछ नया बना के दिखाऊं, आपको जानकारी मिले। तो चलिए 5 मिनट वेट करते हैं और फिर छोला हमारा बन के तैयार होगा। इसकी भाप निकल चुकी है तो चलिए आप खोल के दिखा देते हैं हमारा छोला किस तरह से बना। ये देखिए क्या खुशबू, शानदार लज्जतदार जायकेदार छोला और कम तेल वाला, सेहत के हिसाब से भी अच्छा और स्वाद के हिसाब से भी अच्छा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस विधि से बनाएंगे, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, स्वाद में भी बहुत ही जायकेदार बनता है। आप बनाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका अगला वीडियो देखना मत भूलिए। उसमें आपको भटूरे किस तरह बनाए ये बताने वाला हूँ। तो आपकी प्रॉपर, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसके लिए दूसरा वीडियो अलग से बना रहा हूँ। छोला भटूरा बनाने की विधि आपको पता हो जाएगी, कैसे बनाएं स्वादिष्ट जायकेदार लज्जतदार छोला, वो सेहत के लिए नुकसानदायक भी ना हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आप सभी का दिन शुभ हो। Have a nice day. Bye-bye.